गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। अज तुहानू मैं साग दे आइटम दे राइस दे आइटम दसांगी। साग कोई भी ला सकदे हो, पर मैं तुहानू पर्टिकुलरली रेड दस रही हां ताकि अखां वास्ते बहुत अच्छा है। वैसे तुसी कोई भी साग ले सकदे, पालक और साउथ इंडिया दे ते एक 20-21 साग ने 24 तक भी जांदे ने। कोई भी साग लो और ए रेसिपी नू फॉलो करो, ते एक रेसिपी नाल तुसी कोई भी साग दी आइटम ले सकदे हो, ईवन मेथी भी ले सकते हो, पर मेथी च सिर्फ टमाटर पाना पड़ेगा। बाकी ये वैसे कुछ खास चीज़ां भी जरूरत नहीं, वेरी सिंपल। ऐ साग दे पत्ते देखिए, इनू अच्छी तरह तो लो क्योंकि पत्तियां दे विच मिट्टी बहुत होंगी। सिर्फ ऐसा ही टेक्निक है, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। थोड़े जे प्याज पाने ने ते पाओ, नहीं तो ए भी जरूरत नहीं। प्याज, थोड़े जे हरी मिर्च, जीरा, करी पत्ता, नमक और लाल मिर्च। हल्दी की जरूरत नहीं है क्योंकि कलर बदल जाएगा, वैसे लाल मिर्च की भी उन्नी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पर असं थोड़ा थोड़ा पाएंगे। हूँ असं इन करेंगे, देखो तो मैं पत्ते का तोड़न का भी तरीका दसिया से ना, उत्तों पकड़ो और उन्होंने थैले तक लै जाओगे। तो देखो ए वाला, इन तुम उत्तों पकड़ो और इनू थैले तक लै जाओगे ऑटोमैटिकली। ए देखो डंडी साइड रख दिया सैंपल से, तो हूँ असं इन बरीक बरीक कट लाँगे। क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे पत्तों को आराम से इस तरह रोल करके इसको अच्छी तरह और बरीक बरीक काट लो, और थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं क्योंकि पत्ता दिखेगा, पर बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। अभी पत्ते हों अच्छी तरह, ठीक है ना, ऐसे काट लीजिए। देखो मैंने अभी इसे काट लिया है, ठीक है, इसको अच्छी तरह काट लो, थोड़ा मोटा मोटा काट लो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं, गैस ऑन की उसके बाद ऑयल डाला। ये मैं तो आज फ्रेश राइस के साथ बना रही हूँ, आप अगर चाहें तो लेफ्ट ओवर राइस से भी बना सकते हैं सब चीज़ें, राइस की आइटम लेफ्टओवर, कोई भी साग यूज कर सकते हो, वेरी सिंपल वेरी इजी। अब देखो कभी भी पहले क्या डालते हैं, जीरा। अभी देखो हम जीरा डालेंगे, गर्म हो गया तेल, अभी जीरा डाल, देखो अभी हम जीरा डाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसका भी तरीका है, करी पत्ता, करी पत्ता डालते वक्त थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी जो छिपे हैं आंखों पे फेस पे पड़ सकता है। डालते वक्त या तो उसको स्लो कर सकते हो या आप थोड़ा सा दूर। अभी इसका होने के बाद हरी मिर्च, हर चीज़ को दो मिनट होने देना चाहिए, तभी वो अपना फ्लेवर छोड़ता है। सब तो यही कहते हैं ना कि क्यों इनका खाना बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि वो करेक्ट चीज़ करेक्ट फ्राई करे उसके बाद ही दूसरी चीज़ बोलने की वजह से ही खाना टेस्टी होता है। नेक्स्ट प्याज, प्याज ऑप्शनल है, डालना तो डालो, थोड़ा सा टेस्ट के लिए आज मैंने वैसे डाल दिया। मैंने जब भी बनाती हूँ प्याज उतना लहसुन के लिए नहीं डालती हूँ, टेस्ट के लिए डालती हूँ। टमाटर भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, टमाटर भी डाल सकते हो। बगैर नहीं भूनना, जस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो आप इसको कर देना। अभी हम इसमें साग डाल देंगे, कभी भी साग को अच्छी तरह धोना चाहिए, और ऐसे साग के चावल एवरीडे बना सकते हो, इसी बहाने साग खाया जाता है। कोई भी वैरायटी ले सकते हो, मैंने आज रेड बताया है क्योंकि रेड जो होता है साग वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। देखो इसको दो मिनट साग हाई गैस पे, मैं क्या करूँगी थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी, देखो ऐसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी पकने के लिए, पत्ता पक जाए। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके एक प्लेट के साथ ढक दूंगी। इसको हम प्लेट के साथ दो मिनट ढक देते हैं। वैसे मैंने अभी रिसेंटली क्या देखा है कि राइस का आइटम्स कुक 3/4 कुक हो तो हींग डालने से ज़्यादा टेस्टी होता है, उसमें फ्लेवर ज़्यादा आता है। जैसे ही थोड़ा 3/4 पक जाएगा मैं इसमें हींग डालूंगी,
हिंग राइस की आइटम में जरूर डालिए क्योंकि वो वाइबादी होता है। तो देखो ये हो गया है, अभी सॉफ्ट हो गया है, टेंडर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, हींग। ऊपर से डालने से मैंने अभी अच्छा इसकी खुशबू आती है, इसको दो मिनट और कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें नमक शमक करेंगे, नमक शमक डाल देते हैं, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ये राइस आइटम है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ठीक है। अभी हम इसमें से राइस लेंगे, मैंने फ्रेश राइस अभी बनाया है। तो राइस को भी आप पहले क्या करो, मैंने इसको पहले हिला के रख दिया, राइस को कभी भी आप हिला के रखिए, तभी इसमें वो सेपरेट राइस रहता है। ये राइस मैं अभी कल पापड़ के लिए रखूंगी, पापड़ बना सकते हैं, इसके लिए बनाया था ये राइस आज है। तो मैं इसको खोल के, कितना प्यारा कलर आ जाएगा। तो ये राइस कितने प्यारे हो गए, ब्यूटीफुल, क्योंकि हम लोगों ने रेड साग लिया था तो चावल ऑटोमेटिकली रेड हो गए हैं। तो जब भी आप करछी रखते हो तो साथ में रख दो, इसके ऊपर ही मत रखो क्योंकि हाथ सड़ जाता है, इसको साइड में रखती। आज हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ रखने से पहले टेस्ट जरूर करो। हिंग के असली हिंग की खुशबू अब आ रही है। ये टिप मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि हिंग 3/4 के टाइम डालो तो उसकी अलग ही खुशबू। और साग चावल यम, आप जरूर ट्राई कीजिए, कोई भी साग लीजिए कोई भी। ये तो रेड है, रेडिश हो गया है, ग्रीन होएंगे तो ग्रीन ग्रीन होएगा। मैंने कुछ भी लाल मिर्च भी यूज नहीं किया आज, तो इतना यम। तो सर्व करते हैं अभी आपके लिए ब्यूटीफुल चावल की आइटम, गर्मा गर्म, रायता के साथ खा सकते हो या ऐसे भी, ऐसे ही बहुत टेस्टी है। अचार भी ले लो, बहुत टेस्टी है। वैसे तो ये खुद का टेस्ट ही बहुत अच्छा है, तो रोज साग का चावल खा सकते हो इंस्टेड ऑफ व्हाइट राइस। कितना प्यारा लग रहा है ये आप लोगों के लिए, गर्मा गर्म। दिस इज फॉर यू, लव यू। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, कमेंट कीजिए।